सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो गाइस अपने सामने ये खड़ी है, देख लो अपनी टाटा पंच। और ये टाटा पंच का ये वाला जो कलर है ना भाई, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है मेरे को पर्सनली, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नहीं तो पीछे अपने तीन चार कलर खड़े हैं ना, उनमें से देख लो वो दो जो खड़े हैं उनमें से मेरे को ये वाला सबसे बेहतरीन लग रहा है। और वाइट कलर से ज़्यादा हल्का सा मेरे को ये ज़्यादा बस लग रहा है बेहतरीन। ठीक है, अब सबसे पहले इसके रिव्यू की बात कर लेते हैं। तो भाई ये वाला जो वेरिएंट आप देख रहे हो, ये है अपना ऑटोमेटिक वेरिएंट के अंदर, ये अपना टाटा पंच का एडवेंचर वेरिएंट है भाई। एडवेंचर की एक और वीडियो आपने देखी, लेकिन वो जो वीडियो देखी थी वो आपने मैनुअल ट्रांसमिशन की देखी थी। और ये वाली जो वीडियो देख रहे हो आप भाई, ऑटोमेटिक वेरिएंट के अंदर देखोगे, AMT वेरिएंट के अंदर 1.2 लीटर का इंजन इसमें आपको दिया जाता है पेट्रोल के अंदर। और भाई उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसकी की, भाई पहले भी आप लोगों ने इसका रिव्यू देखा था, बस इसमें जो है ना ट्रांसमिशन का फ़र्क है और ये कलर अपना थोड़ा बहुत कलर चेंज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दो की इसमें आपको देखने के लिए मिलती हैं, मैनुअल और अपने फ्लिप की। और साथ यहाँ पे आपको ग्रिल देखने के लिए मिलती है जो कि नेक्सॉन से इंस्पायर्ड है, मैंने आपको बताया हुआ था। यहाँ पर 3 स्पोक आप कह सकते हो कि छेद मिल जाते हैं हॉर्न वगैरह के लिए। यहाँ पर आपको इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाते हैं भाई, ये देखो इंडिकेटर यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। फॉलो मी हेडलैम्प इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। इसमें आपको होराइजन हेडलैम्प सेटअप मिलता है, कोई भी आपको प्रोजेक्टर नहीं दिया जाता है। और उसी के साथ यहाँ पर आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको फॉग लैंप भी प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। और यहाँ पर ऐसा कुछ जिसमें आपको फ्रंट लुक देखने के लिए मिल जाएगा। उसी के साथ अगर दूसरी साइड आओगे आप, साइड व्यू में आओगे, तो यहाँ पे इतना कुछ बड़ा आपको टायर मिलेगा जो कि 15 इंच का टायर इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और ब्लैक कलर का टायर और ब्लैक कलर का ही मतलब ब्लैक कलर का अपना स्टील रिम मिलेगा और ब्लैक कलर की एसेसरीज में फिट करी हुई है, जिससे आपको दूर से खड़े होकर ये नहीं पता चलेगा कि भाई ये अलॉय व्हील है या नहीं है। ऑल्दो साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है इसका, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे ओवर व्यूम के अंदर आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने के लिए मिल जाएगी। इंडिकेटर जो है ना फोल्ड और अनफोल्ड चाबी से नहीं है। अगर देखो ये मैंने लॉक का बटन दबाया, ठीक है, फोल्ड नहीं हुए अनलॉक, तो भाई कई अनफोल्ड होंगे, ठीक है। तो बॉडी कलर यहाँ पे आपको ओवर व्यूम देखने के लिए मिल जाते हैं। और उसी के साथ यहाँ पे डोर हैंडल अपना वो भी यहाँ पे देखो अपना जो है बॉडी कलर देखने के लिए मिल जाएगा। और ये वाला जो प्लेयर है अपना मिड प्लेयर जो है ये मैट ब्लैक कलर में देखने के लिए मिलेगा। और अपना ए और बी प्लेयर जो है ना बॉडी कलर देखने के लिए मिलेगा। उसी के साथ यहाँ पर अपना टाटा पंच का बहुत ही स्टाइलिश अपना ये खोलने वाला है यहाँ से, ठीक है। और 90 डिग्री अपने गेट्स खुल जाते हैं, देखो 90 डिग्री खुला हुआ है ना, तो काफ़ी इजीली आप अंदर बैठ सकते हो और इजीली बाहर आ सकते हो। पूरा ब्लैक इंटीरियर इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पीछे से आर्मरेस्ट में आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है, हेडरेस्ट में आपको फिक्स देखने के लिए मिलेंगे। और AMT वेरिएंट है तो भाई उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा अंदर, लेकिन थोड़ा सा उससे पहले आप यहाँ देखो अपना बैक प्रोफाइल ऐसे को देखने के लिए मिलेगी। भाई इस वाले वेरिएंट के अंदर आपको कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा, मैनुअल AMT के अंदर आपको कैमरा देखने के लिए नहीं मिल रहा था, ठीक है। और यहाँ पे आपको पंच की पैजिंग लिखी हुई देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर अपना राइना छपा हुआ है, ठीक है भाई। और उसी के साथ यहाँ पे आपको वाइपर देखने के लिए नहीं मिलेंगे, अपने वाइपर इसमें नहीं दिए गए हैं। लाइट इसकी काफ़ी बेहतरीन से लग रही है, मतलब एडवेंचर वेरिएंट में थोड़ी सी डल लगती है, लेकिन इसमें ना काफ़ी क्लियर और काफ़ी बोल्ड दिख रही है। और यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर 2 देखने के लिए मिलेंगे। अब दिखा देता हूँ भाई मैं आपको, देखो सीट कंफर्ट वगैरह इस वाली वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के ऊपर है वो, आप उसके लिए आपको एडवेंचर वाली वीडियो देखने की पड़ेगी जाके। यहाँ पे आप नॉर्मली आप देख सकते हो कि इसमें आपको क्या क्या डिफरेंस मिलेगा। इसमें हाइट एडजस्टेबल सीट नहीं देखने के लिए मिलती है, ठीक है। बैक एडजस्टमेंट मिलेगी सीट की, कुछ नहीं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। 2 की मिलती हैं, गिर गई चाबी भाई माफ़ी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 पावर विंडो देखने के लिए मिल जाएंगी। ओवर व्यूम एडजस्ट आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाता है। अब एक बार मैं ये चीज़ कह लेता हूँ कि इसमें जो है ना ओवर व्यूम अपने फोल्ड हो जाते हैं अंदर बैठ के या नहीं होते हैं, ठीक है। ये देखो अभी गाड़ी ऑन है, नीचे करने में फोल्ड होते हैं, ठीक है। तो भाई इसमें फोल्ड नहीं हो रहे हैं जहाँ तक मेरे को पता है, ठीक है। एडजस्ट हो जा रहे हैं, ये देखो एडजस्ट हो रहा है लेकिन फोल्ड नहीं हो रहा है, ठीक। तो वो एक इसमें आपको डाउट रहेगा। अब इसे ऑन करते हैं सबसे पहले। तो भाई अपनी गाड़ी ऑन कर ली। अब इसमें जो है ना आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिलता है। आप बॉडी कलर देखो भाई, इसमें यहाँ पर मैच करा गया है। ये जो है ना अपना AC वेंट्स की जो बाउंड्री है ये बॉडी कलर में देखने के लिए मिलती है। यहाँ हल्का सा टेक्सचर टाइप आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये देखो, ठीक है। उसके साथ अगर आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करोगे, ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। हारमन का म्यूजिक सेटअप मिलता है, टच स्क्रीन इसमें आपको देखने के लिए मिल जाती है। 2 स्पीकर 2 AC वेंट्स यहाँ देखने के लिए मिलेंगे, मतलब जितने भी AC वेंट हैं 1, 2, 3 मतलब 2 और 4 जो AC वेंट्स हैं ना इसमें, ये आपको बॉडी कलर यहाँ पर फिनिशिंग देखने के लिए मिलेगी। हैजार्ड लाइट का स्विच यहाँ देखने के लिए मिलेगा। इसे कर देते हैं बंद, ठीक है, और अपनी गाड़ी न्यूट्रल में कर देते हैं। इसमें भाई P वाला सिस्टम कुछ नहीं दे रखा, इसमें आपको केवल देखने के लिए मिलेगा अपना मैनुअल, ऑटोमेटिक, न्यूट्रल और रिवर्स, ठीक है। न्यूट्रल पे ही आपकी गाड़ी चालू होएगी, अदरवाइज आपकी गाड़ी चालू भी नहीं होगी। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने के लिए मिल जाता है। AC के फ्लोर एडजस्ट करने वाला बटन ये वाला है, देखो पहले वाले AC पे भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन कूलिंग आ रही है। और यहाँ पर इसमें लाइट दे रखी है, देखो बटन जले हुए हैं ना ये, अगर मैं इसे इधर जलाऊंगा तो ये वाले बटन जलेंगे, तो ये वाले ज़्यादा सही है भैया, ये वाले बटन जलने दो, ठीक। और अपना पियानो ब्लैक फिनिश यहाँ देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे आपको टेक्सचर दे रखा है ना, ये पूरा टेक्सचर इस वाले पैनल पे भी दे रखा है,
ठीक है, और यहाँ पर वो टेक्सचर नहीं, इस वाले पैनल पे टेक्सचर दे रखा है और यहाँ पे इस वाले पैनल पे भी वही टेक्सचर दे रखा है। ठीक है, अपना आईआरवी आपको नॉर्मल देखने के लिए मिलेगा, एडजस्टेबल इसमें कोई भी देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, मैनुअल एडजस्ट करना पड़ेगा आपको उसमें, और यहाँ पर आपको लाइट देखने के लिए मिल जाती है ये अपनी। ठीक है, और यहाँ पे आपको देखो सनवाइजर, यहाँ पे टिकट होल्डर देखने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पे सनवाइजर में मिरर देखने के लिए मिल जाएगा। अब इस गियर बॉक्स की बात कर लेते हैं भाई मेन अपना। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक है ना, तो डेड पेडल देखने के लिए मिल जाता है। इको का बटन आपको यहाँ, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। अब मोड बंद करूंगा तो देखो बंद करने के लिए भी बताएगी, सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। एक तो मेरे को बेस्ट इसमें ये लगा, अब जैसे मैं देखो ड्राइवर गेट खोल देता हूँ हल्का सा, ठीक है अभी प्रॉपर बंद नहीं है। तो यहाँ देखना एक इंडिकेशन आती है कि आपका जो ड्राइवर साइड डोर है ना वो खुला हुआ है। देखो एक तो यहाँ पे आ रही है ये, देखो यहाँ पे, ठीक है, और देखना वैसे भी आती है जहाँ तक मेरे को अभी मैंने देखा था आती है। भाई पीछे करने में तो आनी थी, आगे करने में देखते हैं, आगे करने में आती है लेकिन ये देखो ड्राइवर डोर ओपन प्लीज चेक। ये चीज तो ये चीज इसके अंदर है भाई, ये ना महिंद्रा के अंदर आती थी, ठीक है, अब वो इसमें भी है, वो बेस्ट चीज है। अब देखो सिटी और इको दोनों मिले हुए हैं इसमें, ठीक है, जितनी बार भी आपके गियर चेंज होंगे वो सभी को पता है ऑटोमेटिक में भाई ब्रेक दबा के चेंज होते हैं, और इजी टू हैंडल है भाई, कोई ऐसा नहीं है कि हार्ड चल रहा हो गियर बॉक्स, काफी आसानी से आप इसे हैंडल कर सकते हो। ठीक है, और मैनुअली भी इसे आप चला सकते हैं यहाँ पे ऐसा करके, अगर लेफ्ट पुश करेंगे राइट पुश करके आप इसे सिटी ड्राइव मोड ऑटोमेटिक में कर सकते हो। अभी जितनी बार भी इसे मैनुअल से उसमें करूंगा ना, देखो मैनुअल में नंबर वन पे है, मैनुअल में अपना इको मोड नहीं लग रहा है। ठीक है, ये चीज हो रहा है, अगर मैनुअल में मैं इसे चलाऊंगा ऑटोमेटिक गियर बॉक्स को मैनुअल में शिफ्ट करूंगा तो उसमें अपना इको वाला मोड जो है ना वो नहीं लग रहा। ठीक है, और अगर मैं इसे करता हूँ अपने ऑटोमेटिक में, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, तो ऑटोमेटिक में जो है ना अपना मोड जो है चेंज हो जाते हैं, जैसे इको पे लगी हुई है, देखो अब मैं इसे बंद कर दूंगा तो सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। तो ये है अपना भाई, मतलब कुल मिला के ये है कि अपने मैनुअल पे ना आप इसे मोड्स में नहीं चला सकते, मैनुअल में तो पूरा मैनुअली चलेगी। ठीक है, ऑटोमेटिक में और अपना वैसे नॉर्मली आप देखा जाए तो ऑटोमेटिक के अंदर आप अपने मोड्स चला सकते हो, अपने इकोनॉमी और अपना नॉर्मल मोड जो होता है वो आप उसमें चला सकते हो। ठीक है, तो ये है अपनी एम टी के ऊपर भाई, एडवेंचर वेरिएंट आपने ऑलरेडी देखा है तो इसलिए मैं ज़्यादा आपको नहीं पका रहा हूँ, नॉर्मल मैंने इसलिए आपको यहीं तक बताया। अपना गियर बॉक्स के बारे में बताना था, ए एम टी के बारे में वो मैंने आपको बता दिया, तो कैसे लगी आपको ये वाली वीडियो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, जल्दी से 2000 अपने सब्सक्राइबर रेट जो है ना पूरे करवा दो, जल्दी जल्दी 2000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, टेक केयर एंड बाय बाय।